नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। तो यहाँ बहुत जूने हैं, बाकी वो कोई सुनवाई सुनता नहीं है। हम यहाँ बहुत जूने मकान में रहते और पतरे वाला मकान था हमारा। वो हमने बहुत अजीजी करी वहाँ, एक अर्जी भी करी थी जाके, तो फिर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। वो बोले क्या, नहीं भाई हम तो जो तोड़ेगा वहाँ से ऑर्डर है तोड़ेंगे। अब हमारा मकान भी चला गया तो दुकान भी चली गई और अब हम फुटपाथ पर आ गए। हमारे को कोई चीज़ है, कोई हमारी सुनवाई सुनता नहीं है भाई। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मकान है क्या? वो मस्जिद के बाजू में है, जो मस्जिद है ना यहाँ पे, उसके बाजू में बगल नहीं है। और वो किसी को लड़ता नहीं है मकान। पहले 12 फुट का रोड था, फिर 22 फुट का हुआ, फिर 30 फुट का लाया, ऐसी 3 बार कटिंग आई है। तो बोले नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे क्या? तो हमने 1 इंच भी नहीं बढ़ाया। बाकी ये लोगों ने ना, तो बोले नहीं, वहाँ से ऑर्डर आया, इधर से नहीं कटिंग आएगी। बोले ये तालाब में आता है और ये इधर का जो भाग है वो बोले सर्किट उसमें आता है, तो मकरवा में, तो बोले ये सब टूटेंगे। तो अब 45 फुट की ये लोगों ने ना कटिंग करी है, तो उसमें मेरे 2 दुकान और 1 मकान चला गया। पतरे वाली थी दुकान, पतरे वाला मकान था। मकान देखे तो मेहरबानी सरकार की, अब हमारे में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि हम जाके वकील रोके और वहाँ जाके सुनवाई करें, क्योंकि कोई सुनवाई कर ले सुनता नहीं है क्या? वहाँ भी गए थे हम, जा के धक्के खा के पैर घस गए। अब रोजी रोटी कमाए गए कि वहाँ धक्के खाएंगे? अब हम तो एकदम फुटपाथ पर आ गए। बागरी वास में रहता हूँ, जाकिर हुसैन मेरा नाम है। मकान में अभी हाल में मेरा मकान ही चालू है, बुलडोजर मेरे मकान के पास ही खड़ा है। अब देखो तुम्हारे सामने शर्ट बिगड़ खड़ा हूँ, हालत तुम देख सकते हो मेरी क्या हालत है। सरकार ये जो गिरा है उसके सामने कुछ हेल्प करे और कोई मकान दे दे रहने के लिए। मेरे एक बच्चा है, उसकी औरत है, हम मियाँ बीबी है, उसके भी 2 बच्चे है, घर के अंदर 6 मेंबर है। अभी मकान तो देखो, अभी फिलहाल तो हमारे 3 था, 1 आगे टूटा हुआ है रोड पे और 2 यहाँ, दूसरा मकान मेरा, तीसरा मकान मेरा टूट रहा है। 10 मकान है, 15 मकान टूटे, 10 के आजू बाजू मकान टूट रहे है, 3 बाकी है, जो आगे बाकी भी है, मस्जिद भी है, मस्जिद को भी आगे का भाग जो कटिंग में था वो तोड़ रहे है। मेरा नाम एजाज खान पठान, इंसाफ गुजरात सामाजिक कार्यक्रम। सरखेज गाँव के अंदर अभी ऐसा बताया जा रहा है फिलहाल के TP-92A वो ड्राफ्ट TP है और उसके सड़क का कुछ काम निर्माण उनको आगे आने वाले वक्त में करना है, उसलिए यहाँ पे कुछ मकानों को इन लोगों ने डिमोलाइज किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद शहर की हद में सरफेस और ये सारा विस्तार 2007 के अंदर आया है। ये जगह मैं देख रहा हूँ, मैं सालों से इसको देख रहा हूँ, पिछले सुनने में आया कि 50 साल से 40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं।
चुनारा वास है और चुनारा वास के अंदर सारे समाज के हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग रहते हैं। सड़क निकालने के लिए सरकार ने पहले, अभी चाचा ने बताया, पहले 15 फुट का रोड, 20 फुट का रोड है, 35 फुट का रोड है, 45 फुट का रोड अभी कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है, अगर सड़क निकाल रही है, डेवलपमेंट का काम सरकार कर रही है, उससे हमारा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमारी ये मांग है कि पिछले 30 साल 35 साल से अगर ये लोग रह रहे हैं और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है, तो हमारी अधिकारी से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि आप जो भी अर्जदार है जिनके पूरे मकान डिमोलिश हुए हैं उनकी यहाँ पे कॉरपोरेशन में अर्जी करवाइए, और अगर 2010 के पहले के मकान है तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के अंदर उनको व्यवस्था कराई जाएगी। तो हमारी मांग है कि आवास योजना के अंदर और या तो ये टीपी के अंदर कोई ऐसी जगह हो वहाँ पे उन सभी लोगों को मकान दिए जाए ताकि वो उनकी ज़िंदगी एक छत के नीचे उनकी ज़िंदगी बिता सके। परिस्थिति ये है, छपरे वाले मकान थे, छोटे छोटे मकान थे, वो लोग यहाँ पे यहाँ इनका छोटा मोटा रोजगार चलाकर उनकी ज़िंदगी जी रहे थे। फिलहाल में वो रोड रास्तों पे आ गए, सड़क तो बननी अभी बहुत दूर है, लेकिन फिलहाल वो लोग सड़क पे है, ये बात पक्की। हाय नमस्कार, मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।